जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट रीजनिंग पार्ट सेकंड फ्रेंड, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रेंड। जो 2022 दिसंबर में एसएससी सीजीएल के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिलने वाला है कि एसएससी सीजीएल में किस टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया था फ्रेंड, उसका मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो वो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, और ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया उसको भी प्रैक्टिस करें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड, एक ओवरव्यू मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी के किसी भी फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस कर रहे हो, चाहे आप सीएचएल कर रहे हो, और या एसएससी के अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के ही फॉर्म निकाल दिए हैं, चाहे उसकी तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से अगर इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिलने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप पेपर जो है क्वालिफाई कर सकें। सो ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर हैं, मतलब कोई मेरी तरह से कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर आए हुए वही लिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और आपको एक ओवरव्यू मिलने वाला है कि कैसे क्वेश्चन को आपको लगाना चाहिए, ताकि आप पेपर क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, सो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको वीडियो पॉज करनी है और अटैम्प्ट करना है। अगर आप नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे हैं तो वीडियो कंटिन्यू करते रहना। अगर आप इन में से 10 में से, मतलब मान के चले 8 या 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, 7 या 8 कर रहे हैं, तो रीजनिंग में आप ठीक हैं। अगर अदरवाइज अगर आपका नहीं जा रहा है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको अटैम्प्ट करना है और अपनी तरफ से आपको कोशिश करना है कि इसको कम से कम समय के अंदर अटैम्प्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है, 30 से 40 सेकंड के अंदर खत्म करने की कोशिश करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 3 से 4 सेकंड में खत्म करने हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे आपको 30 से 40 सेकंड में खत्म करने होंगे। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ फ्रेंड। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन करवा भी दिए, तो वो भी देखना, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, और ये भी क्वेश्चन अब ये भी देखना, ताकि आपको एक जो आपकी प्रैक्टिस जो अच्छी हो सके फ्रेंड। ठीक है, सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है, जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड, इसके अंदर आपको मीनिंगफुल इंग्लिश का वर्ड बताना है जिससे आपको सेंस निकल सके। जैसे कि हम अगर फ़ोन है हमारे पास तो हम बात करते हैं, वैसे ही फ्रेंड जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न पर क्या करते हैं, व्यू करते हैं, देखते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, व्यू सेकंड। सो ऐसे क्वेश्चन में आपको 3 या 4 सेकंड ही लगाने, ज़्यादा नहीं लगाना है। इन क्वेश्चनों को आपको 30 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखें, ताकि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए आप तुरंत इसको अटैम्प्ट करें, आपका टाइम बर्बाद ना हो। क्योंकि फ्रेंड एसएससी सीजीएल आपको सिर्फ 1 घंटा देता है पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रीजनिंग और मैथ के लिए आपको टाइम बचाना पड़ेगा। तो इंग्लिश और, अगर मैं इंग्लिश और जीके की बात करूं, वो आपको 7, 8, 10 मिनट के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि आप मैक्सिमम टाइम जो है रीजनिंग और मैथ को दें, और जो रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन करोगे वो 100% आपके ठीक होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम चांस निकल के आ सकता है कि आप पेपर क्वालिफाई कर जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम कम लगाना है, 3 या 4 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको इतने में खत्म करना है आपको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका लॉजिक बताऊंगा, आपको लॉजिक लगाना है, आप पहले आपसे खुद से अटैम्प्ट कर लें। और जनरली फ्रेंड आप ये क्वेश्चन देखते भी होंगे, तो इसमें जनरली कैसे लगता है, वो 2 डाइस दे देंगे और पूछ लेंगे कि 5 के नीचे क्या आएगा, पर इसके अंदर उन्होंने बोला है कि आपको ये डाइस को फॉर्म करना है, फिर बताना इनमें से कौन कौन से डाइस फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट लॉजिक क्या होगा फ्रेंड, इसमें आपको एल बनाना होता है, ऊपर से आप एल बनाते चलेंगे। पहला एल बनेगा आपका 6, 3, 5 वाला, दूसरा एल बनेगा आपका इसमें 5, 3, 2 वाला, तीसरा एल बनेगा इसमें आपका 3, 2, 1 वाला, और चौथा एल बनेगा इसमें आपका 1, 2, 4 वाला। ठीक है, आप इसमें चेक कर लो कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 5, हाँ पहला मिल रहा है इसके अंदर, 1, 5, 4, 1, 1, 5, 4, 1, 1, 5, 4 नहीं मिल रहा है, 2, 5, 6, 2, 5, 6, 2, 5, 6 नहीं दिख रहा है, 2, 5, 2, 5, 6 नहीं है। ठीक है, 1, 5, 6, 1, 5, 6 भी नहीं है इसके अंदर कहीं पे। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली ए। तो आपको फॉर्म करने के लिए आपको एल फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, मतलब कि 4 एल बनेंगे, 1, 2, 3, 4 एल बनेंगे ऐसे करके, और फिर उसके बाद आपका डाइस तैयार हो जाएगा, और आप देख सकते हो फ्रेंड कौन सा आपका बन रहा है। तो लॉजिक राइट ऐसा आपको लगेगा आपका। ठीक है, बाकी अपन में लॉजिक भी लगा सकते हैं, बट इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ फ्रेंड। इसके अंदर आपको क्या रखना है, मिरर रखना है, मिरर के अकॉर्डिंगली आपको अपनी इमेज प्रिपेयर बना लेनी है। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करना चालू कर दें, मतलब कि देखें जैसे आप मिरर रखेंगे पी से क्यू की तरफ, तो आपको दिखेगा कि आपका एम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा और आपका वन का फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एम कोई है नहीं स्टार्टिंग में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो मैं आप कब क्वेश्चन पेपर को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, जब ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। तो कैसे होगा एलिमिनेट, जब आपको प्रॉपर तरीके से पता होगा कि हाँ मैं जब मैं देख लिया मैंने कि यार मेरा बस एम और वन जो है
सबसे स्टार्टिंग में आएगा और ऑप्शन में कोई है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे पहला, तो इसमें आपको कितने सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड भी नहीं, 20 सेकंड भी नहीं लगने वाले हैं, 10 सेकंड भी लगने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जितने जल्दी अटैम्प्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखें और तुरंत करके आगे निकलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसके अंदर भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, देख सकते हो फ्रेंड इसमें क्या देखना है, आपको एलिमिनेट भी कर सकते हो डायरेक्टली। इसमें बॉक्स पकड़ लो और बॉक्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो मूव हो रहा है, देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे मूव होगा, फिर यहाँ पे मूव होगा, फिर ऊपर मूव होगा, यानी कि आपका बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। और एक चीज़ और नोटिस करोगे फ्रेंड, यहाँ पे ट्रायंगल जो है पहले ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, यानी कि अगला ट्रायंगल जो है आप बनाऊँ में, यहाँ पे एक ऐसे होगा और अगला नीचे होगा। तो आपको देखिएगा फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ तो होने नहीं वाले क्योंकि बॉक्स का यहाँ पे है ही नहीं। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड के अंदर बॉक्स आएगा, पर इसके अंदर ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है ऊपर हो रहा है, इसमें नीचे होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। तो ऑप्शन एलिमिनेट करें और डायरेक्ट आंसर करके आगे निकले, टाइम बर्बाद ना करना है, क्योंकि आपका एक घंटा है, तो जल्द से जल्द रीजनिंग के 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करें, ताकि आपके 23-22 नंबर तो कम से कम रीजनिंग के अंदर आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं फ्रेंड। सो ये कंक्लूजन स्टेटमेंट वाले फ्रेंड क्वेश्चन 2 या 3 देखने को मिलेंगे आपको हर पेपर के अंदर, एसएससी सीजीएल में या कोई भी पेपर दे रहे हो आप। तो इसके अंदर ये आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है फ्रेंड, इसमें आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन निकालना है। तो मैं इसमें फॉर्मेशन कर लेता हूँ, ऑल कार्ड्स आर बॉक्स, मतलब कि ऑल जो कार्ड हैं वो क्या हैं, हमारे बॉक्सेस हैं। ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, और ऑल टॉर्चेस आर शूज। तो ये कुछ ऐसा हमारा डायग्राम बन जाएगा। अगर हम स्टेट कंक्लूजन देखें, ऑल शूज आर टॉर्चेस, ऑल शूज आर टॉर्चेस, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऑल ऑल मतलब ऑल शूज टॉर्च तो नहीं है ना, तो यानी कि ये वाला आपका गलत है। सेकेंड कंक्लूजन देख सकते हो फ्रेंड, सेकेंड में क्या बोल रहा है आपका, कि ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस हैं, पर ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस नहीं हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, ऑल बॉक्सेस आर कार्ड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल कार्ड आर बॉक्सेस हैं। ऑल कार्ड्स आर शूज, ऑल कार्ड्स आर शूज, ये पॉसिबल है, क्योंकि ऑल कार्ड शूज हैंगे, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी कि ओनली कंक्लूजन फोर्थ इज राइट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं कंक्लूजन स्टेटमेंट वाले, ये आपको 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखनी है, ताकि आप जल्द से जल्द, इसमें आपके लग सकते टाइम, मान सकते हो 40 सेकंड इसमें लग जाएगा सॉल्व करने में, तो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो 40 सेकंड को आप 25 सेकंड पे ला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखें, ठीक है। अभी तो मैंने फॉर्मेशन करके दिखाया आपको, बहुत जल्दी फॉर्मेशन करना है और जल्दी से आंसर करके निकल जाना आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, कोड दे रखे हैं लैंग्वेज के, उसको आपको सॉल्व करके अपना नया कोड, इसका कोड बताना है। तो आप अगर देखोगे फ्रेंड, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका जो कोड बन रहा है वो आपको दिख जाएगा, कि नंबर को ऐड, मतलब जो अल्फाबेट के जो नंबर उनको ऐड करके बनाया गया है, मतलब कि एफ को ऐड करा गया उसका नंबर, फिर आर के नंबर को ऐड किया गया, वहाँ से नंबर बना 108 119। तो ऐसे ही इनके नंबर को आपको ऐड करना है और राइट आंसर करना है। तो मैं बात करूँ फ्रेंड, एम जो है वो आपका 13 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, एस आपका 19 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है, और यू आपका आता है 21 पे, और एल आता है आपका 12 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, और ई आता है 5 पे। तो अगर आप ये देखोगे फ्रेंड, इनको ऐड करोगे तो आपका बनेगा 97। फ्रेंड यहाँ पे गलती होने के चांस ये हो सकते हैं, क्योंकि जो नंबर दे रखे हैं बिल्कुल नियर बाय दे रखे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर एक भी अल्फाबेटिक नंबर आपका ऊपर नीचे हुआ तो डेफिनेटली इसमें आंसर गलत होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि बहुत नियर बाय नंबर दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ऐसे में आपको बहुत ही केयरफुल होकर नंबर को ऐड करना है, तब जाके इसका आंसर करना है, ठीक है। इसमें आप अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे कैलकुलेशन आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, ठीक है ना। एक नंबर भी ऊपर नीचे होगा तो आपका गलत होने के पूरे पूरे चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, 97 सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो फ्रेंड देखो, फिर से एक सेकंड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाला। मैंने बोला ना, एक से दो क्वेश्चन तो हैं ही, तीन भी हो सकते हैं, पर दो क्वेश्चन अभी देखने को मिल गए हमें। तो ऑल डब्ल्यू आर एस, मतलब कि ऑल डब्ल्यू आर एस, नो डी इज डब्ल्यू, मतलब कि अगर बात करें नो डी इज डब्ल्यू, ठीक है। तो सम एस आर डब्ल्यू, सम एस आर डब्ल्यू, सम एस आर डब्ल्यू हैंगे, हाँ कुछ एस तो डब्ल्यू है दिख रहा है वो। तो ऑल एस आर डी, ऑल एस आर डी, इनमें कोई स्टेटमेंट ही नहीं बोला गया तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। नो डब्ल्यू इज डी, हाँ भाई नो डब्ल्यू इज डी राइट है। तो क्या इसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है हमारे पास,
कंक्लूजन निकल क्या रहा है, ऑप्शन सेकंड कंक्लूजन एक और तीन फॉलो हो रहा है, कंक्लूजन एक और तीन जो है फॉलो हो रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूँ, इस बारे बोल रहा हूँ 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आराम से आप इसको 20 से 25 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर दें ऑप्शन से तभी आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें फ्रेंड एक चीज़ कॉमन दिखेगी, एन 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 कॉमन है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन तीन आपके पास बचते हैं जिसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, जो एम है और डी है और आपका यू और एल, अब हमारा जो एम है वो 13th पे आता है, डी हमारा 4th पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है। अगर मैं इनमें देखूं डिफरेंस तो फ्रेंड ये जो माइनस हो रहा है हमारा 9, ये हमारा प्लस हो रहा है फ्रेंड अगर देखें 17 ना, 17 ही है ना, हाँ 17 ही हो रहा है, और ये आप फॉर्मेशन देखेंगे माइनस 9। तो अगला जो फॉर्मेशन बनेगा यानी कि यहाँ पे हम करेंगे प्लस 17, तो हमारा नंबर निकल के आएगा, अगर 12 में 17 प्लस कर दूंगा तो हम पहुँच जाएंगे कितने पे, 27 पे ना, नहीं सॉरी 29 पे, 29 पहुँच जाएंगे, यानी कि 26 जेड पे होता है, ए होता है, बी होता है, सी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। और अगर ऑप्शन में देखेंगे एन के बाद, यहाँ पे हमारा एन था, यहाँ पे मेरा एन था, ये सी हो गया, और सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड, बाकी हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ख़त्म। तो यही एक तरीका है फ्रेंड, क्वेश्चन अच्छा है इस बार, यही तरीका करने का। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई नहीं लग रहा कि ये नहीं होगा, तो अगला लॉजिक भी लगा कर सकते हो फ्रेंड, आर फिर आपका जेड फिर आपका एच और फिर आपका पी। ठीक है, तो क्या होगा, R और Z अगर मैं बोलूँ, R जो है आपका, R होता है 18th पे, Z होता है आपका 26 पे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो माइनस में सॉरी प्लस में जाएगा 8, इन दोनों में देखेंगे अब 26 होता है, ये होता है आपका 8 ना, तो इनमें कम करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 18 का। ठीक है, 18 और 8 26 होता है। ठीक है, और P होता है आपका कितने पे आता है, P आता है आपका 16th पे। ठीक है, 16 पे आता है, इनमें माइनस कर देंगे तो यानी कि 8, यानी कि अगला फॉर्मेशन होगा आपका माइनस 8, कहीं तो प्लस का 8 हो गया, यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, अगर आप माइनस 8 करेंगे 16 और ये कर लेंगे तो ये बनेगा आपका तकरीबन जाके बनेगा माइनस माइनस 2, यानी कि 16 में 18 में से माइनस 18 में से प्लस 16 जाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, और माइनस 2 यानी कि जेड आता है 26 पे, वाई आता है आपका 24 पे, यानी कि एक्स इसमें आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा, देखो ऑप्शन सी। ठीक है, तभी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि जो लॉजिक जो बन रहा है वो फॉर्मेशन आपका हो चुका है, पहले में ही बन चुका है, तो आपको पहले से आंसर मार के चलो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको दिख चुका है माइनस प्लस का फॉर्मेशन चल रहा है, इसके अंदर नंबर सेम आ रहा है, पहले 9 माइनस होगा फिर 17 प्लस होगा फिर 9 माइनस होगा फिर 17 प्लस होगा, तो यही फॉर्मेशन इसका चल रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे ही इतना टाइम लग गया, मतलब कि एक मिनट मैंने ले लिया, तो आपका तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को तो कमेंट में आंसर करना, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसके अंदर फ्रेंड एक चीज़ आप समझोगे, जो लास्ट वाले कॉर्नर वाले जो नंबर हैं इनको एंटी क्लॉक वाइज चलाया गया है, मतलब कि जो 4 है वहाँ पे वी आ गया है, यहाँ देख सकते हो फ्रेंड सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है ना, तो वी वाले सॉरी 4 की जगह वी आ गया है यहाँ पे देखो, और 4 जो 4 है वो 2 की जगह पे चला गया है, और जो 2 यहाँ पे ऐसे चला गया है, और जो 2 है वो ओ की जगह पे चला गया है, और जो ओ है वो बी की जगह पे चला गया है। ठीक है ना, ये देख सकते हो यहाँ पे, तो ये जो एंटी क्लॉक वाइज जो है लास्ट वाले नंबर चल रहे हैं, और जो मिडल में जो बचा हुआ नंबर है उनको अपने आप में चेंजेस कर दिए गए, मतलब कि बी जो है टी पे चला गया है और टी जो है बी पे चला गया है। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हो फ्रेंड ये जगह फॉर्मेशन, मतलब कि इनका जो है आपस में चेंजेस कर दिया गया है, और आई को डिस्पर्स कर दिया गया है 6 के साथ, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बस आई को डिस्पर्स कर दिया गया है, मतलब आई को लॉजिकली नहीं आया गया, सिर्फ डिस्पर्स करके 6 लिख दिया गया है। ठीक है, ये बात होगी पहले वाले फॉर्मेशन की। अब सेकंड वाले जो है, सेकंड और थर्ड वाले में क्या किया गया है, सेकंड और थर्ड वाले में क्या किया गया है, इन्होंने करा है यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं वो इन वाले ऊपर वालों में और इन वालों में कैसे चेंजेस किए गए हैं, जो ओ है ना वो टी की जगह पे आ गया, यहाँ पे देखो ये टी पे आ गया है ओ, और जो टी है वो चला गया वी के पास। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये समझ आ गया इतना आपको। सेकंड आपको क्या समझना है इसके अंदर, नीचे वाले का फॉर्मेशन, जो आपका यहाँ पे 2 है ना वो चला गया बी की जगह पे, मतलब कि ये वाला जो फॉर्मेशन चेंज होके यहाँ पे आ गया है,
और जो बी है चेंज होके 4 पे चला गया है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, ठीक है ये समझ आ गया था ना। और उसके बाद अब इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, जो 4 है वो 6 की जगह पे चला गया है और 6 जो है ओ की जगह पे आ गया, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, ठीक है। और वी जो है वो 2 की जगह पे आ गया यहाँ पे। सो सेकंड वाले में जो चेंजेस है वो थोड़ा इस तरीके का हुआ है। अब जो प्लेन चेंजेस हो गया, मतलब कि जो सेकंड वाला जो चेंजेस है आपने देख लिया, अब रिपीट होगा सेम यहाँ पे, कहाँ पे जो पहले में भी चेंजेस किया था, मतलब कि जो हमारे पास वाला फॉर्मेशन बन गया 3 वाला, अब 4 वाला कैसे बनेगा, 4 वाला बनेगा सेम जो हमने फर्स्ट वाले में बनाया था सेकंड वाले के लिए, मतलब कि 6 की जगह पे ओ की जगह पे 6 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, जो हमारा फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, अब इस फॉर्मेशन में सेम होगा 6 की जगह पे टी, जो हमने फर्स्ट वाले पे किया था वो यहाँ पे करना है, 6 जो है टी की जगह पे आ जाएगा और टी जो है एंड वाले को करना है, टी जो बी है वो बी पे चला जाएगा और जो टी है वो बी पे आ जाएगा और जो वी है वो 6 पे चला जाएगा। ये वाला फॉर्मेशन देख रहे हैं मैंने अभी कराया था ना फर्स्ट वाले पे, सेम यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि दोबारा बोल देता हूँ, 6 जो है टी पे आएगा यहाँ पे देख सकते हो, टी जो है बी पे आएगा यहाँ पे देख सकते हो, बी जो है बी पे चला जाएगा यहाँ पे देख सकते हो और वी जो है 6 पे चला जाएगा यहाँ देख सकते हो, ठीक है ये समझ आ गया। अब जो मिडल वाला है वो चेंज कैसे होगा, ओ वाला जो है 2 पे आ जाएगा और जो 2 और जो ओ है वो 2 पे चला जाएगा और 9 वाले को डिस्पर्स करके इन्होंने लिख दिया, 4 को डिस्पर्स करके लिख दिया 9 में बस। अब जो है आपको फिफ्थ मिल गया है, सॉरी फोर्थ मिल गया है, आपको फिफ्थ कैसे क्रिएट करना है, जो हमने थर्ड क्रिएट किया था, थर्ड कैसे क्रिएट किया था हमने कि इसका चेंज करेंगे हम, ठीक है इसका चेंज करेंगे ना, तो जो आपका V जो है, जो आपका जो यहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है जो आपका 6 लिखा है वहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है सर समझ आ गया। और नीचे देखेंगे जहाँ पे आपका लिखा हुआ है O वहाँ पे आपका आ जाएगा B, यहाँ पे लिखा है O तो यहाँ पे आ जाएगा आपका B, और जहाँ पे O लिखा है जो पे T लिखा है वहाँ पे आ जाएगा O। इतना फॉर्मेशन समझ आ गया जो हमने कितने किस वाले में किया था, जो हमने थर्ड वाले को निकालने के किया था सेकंड वाले में, तो आपको फिफ्थ वाले में करना है फोर्थ से। अब इतना समझ आ गया ना आपको, ये कर दिया आपने, अब इसमें आप सेकंड क्या करना है आपको, अब आपको पता चल जाना चाहिए टी जो है ना आपका टी कैसे आएगा अब, ठीक है जो टी सॉरी टी कह रहा हूँ, अब इसमें अगला जो फॉर्मेशन कैसे होने वाला है आपका, उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। जो चेंजेस होंगे जैसे कि आपका जो फोर्थ लिखा है ना, जो टी लिखा है ना वो टी कहाँ चला जाएगा आपका, जो टी चला जाएगा आपका बीच में, ठीक है ना, जो चेंजेस होगा ना ऐसे चेंज होगा ना, तो टी जो चला जाएगा बीच में आ जाएगा और जो 9 है जो 9 है वो V पे चला जाएगा ऐसे करके, और जो आपका 6 है ना वो कहाँ पे आ जाएगा, B पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आप ढूंढ लो पैटर्न में कहाँ पे है, मतलब थोड़ा सा टफ है फ्रेंड, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, तो ये 2 V 9 O B 6 T राइट आंसर होगा आपका 19। फ्रेंड टफ है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना पड़ेगा, इसके अंदर लॉजिक ज़्यादा लगा हुआ है, दो तरीके की चीज़ें बन रही हैं, ठीक है ना, अल्टरनेटिव में करना पड़ेगा। पहले वाले में आपको समझ आ चुका होगा ये फॉर्मेशन चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। जब आप इससे क्रिएट करोगे ये वाला, फिर सेकंड वाले से क्रिएट करोगे थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या चल रहा है, ये वाला चेंज यहाँ पे होगा, ये वाला चेंज यहाँ पे होगा, ये वाला चेंज यहाँ होगा, ये वाला चेंज यहाँ होगा, फिर ये चेंज यहाँ होगा, ये चेंज यहाँ पे होगा, तो इसके अंदर थोड़ा लॉजिक टफ है, समझने वाली बात है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20th है, ये भी क्वेश्चन ईजी है, टफ नहीं है। इसमें क्या किया गया फ्रेंड, जो 19th है उसको मल्टीप्लाई किया गया 17 से, मतलब कि एक पीछे प्राइम नंबर से, और उस प्राइम नंबर में फिर 1 प्लस कर दिया गया है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें प्लस करूँगा तो कितना होगा, ये इसका मैं कर लूँगा तो कितना बन के आएगा आप बताइए, ठीक है, तो 323 निकल के आएगा, 323 निकल के आएगा, प्लस 1 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 324 बन के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 25 में इन्होंने 23 को कर दिया, 25 में इनको एक प्राइम नंबर 23 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 कर दिया, यहाँ से निकल गया 576। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइम नंबर 7 प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा कितना निकल गया 64। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन है, जिसमें 19th क्वेश्चन बहुत लॉजिकली फ्रेंड ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसकी एक्सेसिव प्रैक्टिस है, ठीक है, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है वो आप खुद जज करें अपने आप में, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाना है वो आप खुद ढूंढ के निकालें, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करनी है। हमारा मकसद यही है कि आपको बताने का कि जो SSC CGL किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि जो 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें से जो 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस एक्सेसिव करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपके सेट में वाला क्वेश्चन फंस गया ना,
तो डेफिनेटली आप तो छोड़ोगे नहीं तो फिर ये गलत होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करें और रीजनिंग में जो है आपके पास, देखो टोटल एक घंटा तो है ही आपके पास, उसमें से रीजनिंग में आप कम से कम टाइम लगा दें। जैसे कि आपने, अगर मैं मान के चलता हूँ आपने 7 और +10 मिनट लगाए और 15 मिनट इसमें लगा दिए रीजनिंग में, तो टोटल कितने बनते हैं पता है आपको, ये 32 बन जाता है ना। बचे हुए आपके जो 28 मिनट हैं वो आपको किस में लगाना है, मैथ में लगाना है, जो 30 मिनट है मैथ में लगाना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के लिए टाइम निकाल पाओगे तो डेफिनेटली जो है आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है।